So, this is day two from McLeodganj. Good morning. और रात बहुत ज्यादा कोल्ड था, बहुत ज्यादा ठंडी थी. ये तो शुक्र है मेरे पास गाड़ी में पेन किलर थी, बिकॉज रात को ठंड की वजह से मेरा सिर इतना ज्यादा पेन होने लग गया था. बच गई भाई, नहीं तो रात को नींद नहीं आ पाती. तो अभी टाइम हो रहे हैं 9:30, और अब हम लोग जल्दी से फ्रेश वगैरह होके फिर देखते हैं आगे आज का दिन क्या बनता है. लेट्स गो. अभी जस्ट वी गॉट रेडी एंड गाड़ी स्टार्ट की थी, वार्म स्टार्ट कर, कोल्ड स्टार्ट कर ली है, और अब उसके बाद अब हम जा रहे हैं. हम लोगों ने सोचना है कि डल लेक जाएं, कैसे जाएं ये पता करते हैं. की लग गया, पता की लग गया. अभी एक बड़ा तगड़ा कोइंसिडेंस हुआ, ये विकास है ना, ये इसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिली हमें यहाँ पे. अभी मतलब कोइंसिडेंस बहुत तगड़ा हो गया यार. ये तो सोचा था तुमने ये स्टंट हो जाएगा, ये कभी ना सोचा था ये क्या से क्या हो गया. दिन की पहली मील, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. टाइम हो गया 12. प्लान था बीर जाने का, पर प्लान काफ़ी ज़्यादा डगमगा रहा है. तो जाएंगे जरूर, सिर्फ एक जगह नहीं, कहीं ना कहीं जाएंगे. कुछ कहना चाहूंगे मैं, कहते इंद्र की वजह ना लेट हो गए. हाँ, यही शख्स है जिसकी वजह से हम लेट हो गए. हाँ, ध्यान से देखो, ये सभी वो शख्स है जिसकी वजह से हम लेट हुए. आटे भी तैयार करा दिया मैं. ये क्या है? और ये मिक्स वेज है ना? मिक्स वेज. और ये पनीर, दो प्याज है और रोटियां. ठीक है सर. और तीन ग्लास मिल जाएंगे सर? दोनों सूखे सूखे. सेक्सी है. दो लेट मी शो यू एज वेल. तो ये है मिक्स वेज है ना, और ये वाली है पनीर दो प्याज़ा और घर जैसी रोटियाँ. काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, अभी तक पालमपुर नहीं आ पाए हम लोग, बट स्टिल वी आर ड्राइविंग. और पहाड़ों पे गाड़ी चलाना और सिंपल गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, गाड़ी या बाइक. पेशेंस ही ख़त्म हो जाता बंदे का भाई चलाते चलाते. एक तो मेरे साथ ये दो महानुभाव बैठे हूँ, इनमें से किसी को भी गाड़ी चलानी नहीं आती. मुझे आती है. ठीक है, वो पीछे वाले ने कोर्स किया है, पता नहीं कितने महीने का, 15 दिन. ठीक है, 15 दिन कोर्स किया बंदे ने. गाड़ी कौन सी चलाई थी दसो? ऑडी. ऑडी रुक है, गड्डी का नाम की सी? होंडा. होंडा एक्टिव है. ह्युंडई. ह्युंडई. अच्छा, ह्युंडई दी गड्डी सी. केडी किन्नी की वड्डी सी? माइक्रो जिन्नी सी? छोटी गड्डी. इस तो वड्डी सी कि सोनाटा चलाई सी तुसी? पता नहीं मेनू लंबे पता है मेनू. होंडा सिटी चलाई होनी पक्का ने. चलो जो मर्जी चलाया, ते पेट्रोल सी कि डीजल सी? मैं क्यों पूछा तू कितना करके पवाया यार? हद होगी, बंदे नु इंजन दा नहीं पता, इंजन का नहीं पता होना चाहिए. बताओ कौन सी थी, पेट्रोल थी कि डीजल थी? डीजल थी. डीजल कितने रुपए लीटर है? तो अभी का स्टेटस कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने जाना था पालमपुर. हम लोग रास्ते में ही हैं, ऑलमोस्ट आधे घंटे का रह गया सिर्फ. उससे पहले हमें एक जगह दिखी है, देख रहे हो, ऑसम जगह है यार. मतलब है गलबात है. और जो धौलाधर रेंजेस हैं, जो पीछे आप बर्फ़ वाले पहाड़ यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ टच करके आपको फोकस करके दिखाता हूँ, ये वाले. तो जो ये वाले पहाड़ हैं, ये यहाँ से भी विजिबल हैं. पालमपुर हम लोग 1/2 घंटे में पहुँचेंगे. उसके बाद अपने को कितना, 1 घंटा चाहिए घूमने के लिए बस. वो घूमने के बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे वापस लुधियाना के लिए, बिकॉज आज लुधियाना पहुँचना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज कल सुबह बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है. एक ही ट्रिप में दो जगह आप कवर कर सकते हो इफ़ यू प्लान स्मार्टली. ये हमारा ही आंटी? हाँ जी जी, आपका ही ना, तो आपको देखिए. ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू भाई. अब तक के सबसे ऑसम मोमोज हैं, तगड़ी करते हो. इसके आगे का जो सीन है वो मेरे को आप लोगों को वर्बली बताना पड़ेगा, बिकॉज वीडियो
का थोड़े से प्रॉब्लम हो गई थी, जैसे कि मेरे फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, मेरा एक्शन कैमरा जो था वो अंधेरे में उतने ही जजमेंट नहीं कर पाता, अंधेरे में उतना उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता जो कि मैं देख पा रहा था अपनी नेकेड आईज से, और मेरे DSLR की भी बैटरी खत्म हो गई थी क्योंकि जिस होटल में मैं रुका था वहां पे पूरा टोटल सारी रात पावर कट था और मेरे होटल इतना ज्यादा वाहियात था कि उसके पास पावर बैकअप भी नहीं था। तो इसके आगे जो भी है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक्चुअली इसके बाद हम लोग गए थे पालमपुर, और पालमपुर सिर्फ एक ही चीज से फेमस है जो कि मतलब बहुत ज्यादा फेमस वाली जो चीज है वो है उसका टी गार्डन। तो उसकी एक छोटी सी झलक तो मैंने अपने एक्शन कैमरा में गाड़ी चलाते टाइम कैप्चर कर ली थी, तो आप लोग वो वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद पालमपुर में एक जगह है जिसका नाम है सौरभ वन विहार, तो वहां तक हम लोग गए तो थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब तक गए तब तक अंधेरा हो चुका था, और उसके बाद हम लोगों को बाहर बाहर से देखना पड़ा, ज्यादा अंदर तक ऑफिशियल्स ने जाने नहीं दिया। उसके बाद दे आस्क्ड अस टू लीव, तो वहां का जो ब्रिज है उसकी वीडियो आप लोग अभी देख पा रहे हैं। सो दिस इज पालमपुर, पालमपुर का ये काफी बड़ा ब्रिज है अगर आप देख सकते हैं तो, और ये सामने ऐसे कुछ सीन्स हैं, सीन्स कुछ ऐसे हैं ब्रो। तो पालमपुर में मेनली यही दो तीन चीजें हैं। सो दैट्स इट, पालमपुर में भी यही दो जगह थी, और इसके बाद हम लोगों ने वापस आना शुरू किया लुधियाना की तरफ, और सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ एकदम सही जा रहा था, अनटिल अनलेस वी रीच होशियारपुर। होशियारपुर के बाद क्या है, सारा पहाड़ी इलाका खत्म हो जाता है, आप लोग पंजाब के एक अर्बन एरिया में एंटर कर जाते हैं। उसके बाद गाइज जो फॉग मैंने टैकल की है गाड़ी चलाते टाइम, मैं मतलब इससे ज्यादा वर्स्ट फॉग मैंने आज तक कभी कहीं नहीं देखी थी। इतना ज्यादा गंदा था कि आगे एक फुट तक नहीं मैं गाड़ी से आगे देख सकता था, पूरी टोटल जो रोड स्ट्रिप्स होती हैं उसकी जजमेंट पे मैंने गाड़ी चलाई। इट वाज टू रिस्की, एंड मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि रात को सर्दियों का ट्रेवल करो, बिकॉज कुछ नहीं पता होता कब फॉग हो जाए। तो ये सीन यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं, अभी हम लोग रुके हैं और 12:30 बजे खाना खाने लगे। रात को बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था भूख से, और फॉग जैसा कि आप लोगों ने देखा वीडियो में बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से बस 30 किलोमीटर घर रह गया, ये सीन को यहीं पे बंद करते हैं, खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए।